स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड मींस तरीका, किस तरीके से हम न्यूट्रिशन को लेते हैं या लिविंग बींग्स जो होते हैं किस तरीके से या किस वे से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देते हैं। एंड दीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक। हियर ऑटो मींस सेल्फ, अपने आप। ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं देन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन प्लांट्स। कहां देखने को मिलता है? इन ग्रीन प्लांट्स। दीज ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक एंड हियर हेट्रो मींस डिफरेंट, मींस दिस हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो लिविंग बींग्स होते हैं वो फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपने आप अपना फूड नहीं बना पाते हैं, जैसे कि प्लांट्स ग्रो अपना फूड जो है वो अपने आप बना लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड को वापस से फोर टाइप्स में किया गया है। फर्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगेन divided into four types and first is holozoic. Holozoic mode of nutrition and this kind of nutrition is seen in human being also. In this type of mode of nutrition there are five steps. First is ingestion. In this step an animal take in food. इस प्रोसेस में एक एनिमल क्या करता है? फूड लेता है, खाना खाता है और वो फूड कहां पहुंचता है? स्टोमक तक। द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। आफ्टर इंजेशन जब फूड स्टोमक तक पहुंचता है तो स्टोमक में पहुंचने के बाद क्या वहां पे शुरू हो जाता है? डाइजेशन। वैसे तो डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। हमारे माउथ में जो स्लाइवा होती है, स्लाइवा में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड का डाइजेशन शुरू कर देते हैं और बाकी का डाइजेशन कहां होता है? स्टोमक एंड अदर जो पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में आगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। जैसे ही डाइजेशन हो जाता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या होगा? हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन करेगी। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द नेक्स्ट स्टेप इज असिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद में किस तरीके से जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसका असिमिलेशन होता है, वो हमें किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस स्टेप में उसको स्टडी किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। सो बाय दीज फाइव स्टेप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन। द नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन देयर इज वन होस्ट लिविंग बींग। एक लिविंग बींग होता है होस्ट और होस्ट की बॉडी पर कौन होता है? पैरासाइट,
जैसे मैंने ये होस्ट बनाया और इसकी बॉडी पे मैं क्या बना रही हूँ, दूसरा लिविंग है, बीइंग है, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरासाइट। क्या बोला जाता है इसको? पेरासाइट। एंड हियर पेरासाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट एनिमल फॉर देयर फूड, फॉर इट्स फूड। पेरासाइट क्या करता है? टोटली डिपेंड होता है इस होस्ट एनिमल पर अपने फूड के लिए, और कहीं ना कहीं ये पेरासाइट होस्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्म भी करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। सो दिस इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वन एनिमल और लिविंग बींग इज डिपेंडेंट ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड। डेड ऑर्गेनिक मैटर किस पे डिपेंड होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी एनिमल जो मर गया है उसकी डेड बॉडी पर जो अदर एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर ऑल्सो टू एनिमल्स एंड बोथ द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों ही एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दो एनिमल्स होते हैं और दोनों ही एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एक एनिमल फूड प्रोवाइड करता है और दूसरा उसको किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्शन या और तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके या कुछ भी किसी भी तरीके से उनके मूवमेंट के या उनको बोल सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करके हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक प्लांट भी हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकता है, दोनों प्लांट भी हो सकते हैं और दोनों एनिमल भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जबकि पैरासिटिक में सिर्फ एक ही होस्ट पे डिपेंड करता है, होस्ट को कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। सो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और प्लांट्स। प्लांट्स में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक टाइप का देखने को मिलता है और इसी को ही हम आगे स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।